क्लोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है। सो इंडेक्स में 209 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आ रहा है और बुलंदतरीन सतह पर है। और मजीद तफसीलात जानेंगे राशिद खान से। राशिद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज है और सुबह से अब तक जो है इंडेक्स में बड़ी तेजी देखी गई है। अब मजमूई तौर पर अभी जो तेजी आई है वो तकरीबन 200 पॉइंट की तेजी आई, जिसके बाद इंडेक्स जो है 40,000 की सतह उबूर कर गया और इस वक्त इंडेक्स 40,037 पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है। मजमूई तौर पर 322 कंपनियों के हिस्से का कारोबार हुआ है, जिसमें से 190 की कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 112 कंपनियों के हिस्से में कमी, जबकि 20 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम रहे। सबसे ज्यादा कारोबार के इलेक्ट्रिक और डीवान मोटर्स कंपनियों के हिस्से में हुआ है, जबकि इसके अलावा KC30, KM इंडेक्स, KMI30 इंडेक्स, आल शेयर इंडेक्स, आल शेयर इस्लामिक इंडेक्स के में भी इजाफा देखा जा रहा है। जबकि इस वक्त मजमूई तौर पर जो कारोबार हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा शेयर हमारे सामने है सीमेंट और केमिकल इंजीनियरिंग कमर्शियल बैंक, इनमें ज्यादा कारोबार हो रहा है, जबकि फर्टिलाइजर के हिस्से में भी ज्यादा कारोबार देखा जा रहा है। जी शुक्रिया राशिद खान, आपने अपडेट किया। आपको बताएं कि कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आई और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जबरदस्त ये तेजी देखने में आई। 100 इंडेक्स में 209 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और ये इंडेक्स 40,071 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। और ये आपको बताएं कि पाकिस्तान में की तारीख में पहली बार ये तेजी देखने में आई। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आई। 100 इंडेक्स में 209 पॉइंट्स का इजाफा भी देखने में आया। एक अच्छी खबर आपको दे रहे हैं, कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है।